तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स या रोटेशनल मोशन से मिलता जुलता एक और चैप्टर था जिसका नाम था सर्कुलर मोशन। आपको याद होगा हमने कर लिया सर्कुलर मोशन, और अब हम करेंगे रोटेशनल मोशन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि डिफरेंस क्या है, सर्कुलर में भी बॉडी घूम रही है और रोटेशनल के अंदर भी बॉडी घूम रही है, तो क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस है, जितने भी क्वेश्चंस आपने सर्कुलर मोशन के किए उसमें जो भी आपने मास दिया, चाहे कार जा रही है, कोई साइकिल वाला जा रहा है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, वो पॉइंट मास है। आपने शेप के ऊपर काम किया ही नहीं। आप कहते हो कार का मास है एम, ट्रक का मास है एम, साइकिल का मास है एम, आपने कब लिया उसकी शेप मैटर करती है। पत्थर का मास है एम, तो सेंट्रिपिटल का कॉन्सेप्ट लगाते थे आंसर आता था, ऐसे ही था। रोटेशनल मोशन के अंदर शेप मैटर करती है। इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, इसके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एक टायर रोल कर रहा है, एक रिंग रोल कर रही है, एक डिस्क रोल कर रही है, एक सिलेंडर रोल कर रहा है, हॉलो स्फीयर रोल कर रहा है, सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है। तो देखो इसके अंदर पॉइंट मास नहीं है, और शेप क्या सच में मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। अगर शेप मैटर ना करती तो टायर की शेप वैसी ना होती जैसी हम अभी देख रहे हैं। फिर तो कोई भी कैसे भी शेप का टायर बेचना शुरू, कोई स्टार इसकी शेप में टायर बेच रहा है, कोई डिजाइन डाल के टायर बेच रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। टायर की फिक्स शेप है, और गाड़ियां एकदम तेज भागती हैं। आप अगर न्यूट्रल पर भी गाड़ी कर दोगे बहुत किलोमीटर तक तेज भाग सकती है, इसका मतलब शेप मैटर करती है। ठीक है यहां तक? तो ये चैप्टर में हम शेप को कंसिडरेशन में लेके आएंगे, और शेप का मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास मास है एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, मैं अगर उसको भर दूंगा गोल 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 किसी बॉडी में तो वो स्फेयर बन जाएगा सॉलिड। अगर मैं उसको किसी लेंथ के ऊपर गोल घुमा दूंगा तो रिंग बन जाएगी। अगर मैं एरिया वाइज भर दूंगा तो डिस्क बन जाएगी, है ना? तो अलग अलग शेप आएंगी अगर मैं मास को उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम क्या है, मास है एम वन एम टू एम थ्री अप टू एम एन, मैं इतने मासेस अगर भर लूंगा मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? मैं मासी संभालता रह जाऊंगा। मान लो 2 लाख मास लग गए, 3 लाख मास के पार्टिकल्स हैं बीच में, पता नहीं कितने हैं, मुझे खुद नहीं पता। एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, इनफाइनाइट है, तो मैं इनके साथ कैलकुलेशंस कैसे करूंगा? बहुत मुश्किल है। तो मैं किसको लेके आऊंगा? सेंटर ऑफ मास को। तो क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास करके छोड़ दिया, अब हम रोटेशन उठा रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशन कॉन्सेप्ट करेंगे, जहां फंस जाएंगे वहां लेके आएंगे सेंटर ऑफ मास को, फिट इन करेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इससे पहले सेंटर ऑफ मास करना क्यों जरूरी है, पहला कॉन्सेप्ट है। और ये भी डिफरेंस समझ में आ रहा है सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में कहाँ अंतर आने वाला है। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग वैसी ही है जैसे सर्कुलर की थी। कैसे? दो टाइप की मोशन है, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन। याद करो ऐसी स्टार्ट किया था कि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, अगर वेलोसिटी डीएक्स बाई डीटी है तो ओमेगा डी थीटा बाई डीटी है, अगर इसमें ए डी वी बाई डी टी है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी है। टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। इसके अंदर भी टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो ओमेगा कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ऐसी ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो सर्कुलर मोशन के अंदर ऑलरेडी हमने डिस्कस की थी। बिल्कुल, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से स्टार्ट।